जैन साथियों, SSCMTS के फॉर्म भरना अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, तो इसमें फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी बरतें, कुछ पॉइंटों की बात करेंगे जिससे कि आप गलती ना करें। तो आपकी MTS की पोस्ट की बात करें तो 4887 वैकेंसियाँ हैं और हवलदार की इसमें 3439 वैकेंसियाँ हैं। तो टोटल आपकी पोस्टों की बात करें तो 8326 वैकेंसियाँ हैं। और इसमें आयु की गणना देखें आपकी तो 1 अगस्त 2024 तक मान्य है। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपकी ये रहेगी कि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आप अपना फॉर्म भरें। अगर आपका नाम 10th सर्टिफिकेट से मैच नहीं खा रहा है तो आपको आगे भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा, आपको वहीं निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें आपका कोई भी दूसरा चॉइस नहीं दिया जाता है। OBC सर्टिफिकेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको OBC सर्टिफिकेट आपको केंद्र का ही बनवाना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिस पर भारत सरकार लिखा होता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, कुछ कैंडिडेट नहीं समझ पाते हैं कि आपका गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का बना है, तो आप देख सकते हैं उसमें नीचे लिखा रहता है कि सर्टिफिकेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवाएं, क्योंकि उसमें आपका पहले ही बता चुका हूँ कि आपको दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाता है बदलने का। SC ST कैंडिडेट वाले भी यही प्रोसेसिंग उन्हीं की है, उन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, भले ही आप स्टेट और सेंटर में, भले ही दोनों में ही आप SC कैंडिडेट हैं, फिर भी SC और ST कैंडिडेट हैं, फिर भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर EWS वालों की बात करें तो EWS वालों का स्टेट का भी मान्य हो जाता है, लेकिन अगर आपकी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बन रहा है आपकी तहसील में, तो आपको बनवा लेना चाहिए। जिन तहसीलों में या फिर जिन स्टेटों में नहीं बन रहा है वो अपना स्टेट का ही बनवा लें, मान्य हो जाएगा। अगर आप OBC ST से हैं, जनरल में फाइट करना चाहते हैं, तो इस में आप फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अदर भर्तियों की देखें, आप OBC SC ST के हैं और आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, आपके नंबर अच्छे हैं, तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन इसके नोटिफिकेशन में स्पष्ट दे दिया गया है कि आप SC ST या फिर OBC कैंडिडेट हैं और आपके अच्छे नंबर हैं, आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, तो आपको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा, आपको भर्ती से बाहर किया जाएगा, आपको भर्ती देखने का मौका नहीं दिया जाएगा। और फ़ोटो लगाने के लिए इसमें लाइव फ़ोटो लगेगा, तो फ़ोटो खिंचाते समय आप विशेष ध्यान रखें कि आपका बैकग्राउंड आपका एकदम प्लेन होना चाहिए और आपका जैसे कि चित्र बर्रा या फिर कुछ बना हुआ नहीं होना चाहिए। फ़ोटो खिंचाते समय आपको ध्यान रखना है, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, टोपी, मफलर, मास्क, ये इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, आपका फेस एकदम स्पष्ट और सामने से दिखाई देना चाहिए। तो साथियों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो साथियों, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके जो काम आने वाली हैं और सभी प्रकार की भर्तियों के नोटिफिकेशन आप इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।